नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। इसका सेकंड भाग आज हम करेंगे। प्रश्न था गुणनफल प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। हमें देखना है gx px का गुणनखंड है या नहीं। सबसे पहले देखिए gx, इसे x माइनस ए का रूप देने के लिए मैं इसे लिखूंगा x माइनस माइनस टू। अब इसको जब कंपेयर करते हैं तो देखो x x माइनस माइनस, एक इसके बराबर आ गया माइनस टू के बराबर आ गया, एक इसके बराबर आ गया माइनस टू के बराबर आ गया। ठीक है, इस चीज को बच्चों याद रखना। अब मैं यही जो माइनस टू ए की वैल्यू आई है इसे मैं x की जगह रखता हूं तो मेरे पास p ऑफ x की जगह बन गया p ऑफ माइनस टू। x की जगह माइनस टू तो x का क्यूब हो जाएगा माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर की जगह माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स की जगह माइनस टू आगे है प्लस वन तो प्लस वन। इसे हम हल करके देखेंगे। देखो माइनस का क्यूब होगा माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस माइनस, टू का क्यूब दो दुनी चार दुनी आठ प्लस तीन इंटू माइनस का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, दो का स्क्वायर दो दुनी चार इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस होगा माइनस, तीन दुनी छ प्लस एक। इसे हल करके देखते हैं, यह माइनस आठ आगे है प्लस चार तीये बारह माइनस छ प्लस एक। जब इसे हल करेंगे हम तो देखिए प्लस वाली रकमों को अलग प्लस कर लो, बारह और एक हो गया तेरह, माइनस वाली रकमों को अलग प्लस कर लो आठ और छ चौदह साथ में माइनस, तो ये आ गया तेरह माइनस चौदह प्लस माइनस माइनस, चौदह में से तेरह निकाले एक साइन बड़ी रकम का माइनस एक। इसका मतलब इन चारों को हल करने से हमारे पास आया माइनस एक। अब पी ऑफ माइनस दो आया है माइनस एक, पी ऑफ माइनस दो जीरो के बराबर नहीं आया, P ऑफ माइनस दो जीरो के बराबर नहीं आया तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि P ऑफ माइनस दो जीरो के बराबर नहीं आया तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। दोबारा यदि यह जीरो के बराबर आया होता तो हम कहते कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, लेकिन यह जीरो के बराबर नहीं आया इसका मतलब जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। इस वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको समझ ना आया हो, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो समझ आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों। थैंक यू।